आग पे सीखने लगा एकदम मस्त। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो फाइनली गाइस, आज हम जाने वाले हैं अपना डाल्टनगंज, अपनी माता जी को लेकर के। देख सकते हैं हमारी माता जी रेडी हो गई है, तो चलते हैं माता जी को लेकर के डाल्टनगंज। इनको पहुंचाने के लिए स्पेशली जा रहे हैं, तो चलिए अपना घर जा करके देखते हैं कि हमारा लूसी किस टाइप का खुश होता है गाइस। तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आए उसी हमारा लूसी पूरा खुश, और इधर हमारी बेटी भी काफी खुश हो गई। बोडू बोडू ओ काडू रे लूसी, ओ आई आई लूसी 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 लूसी, ओ पकड़ पकड़ बोल लूसी, पकड़ 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 काडू रे लूसी, बहुत खुश बहुत खुश। सो फाइनली गाइस, मैं अपने घर पहुंच गया, मतलब डाल्टनगंज पहुंच गया। वो आते ही देख सकते हैं हमारी जो बेटी है वो काफी खुश होती है यहाँ पे। देख सकते हैं हमारा लूसी जो है अभी काफी एंजॉय कर रहा था, मतलब काफी खुश होता है गाइस। आने के बाद पूरा दौड़ता है, तो चलिए बहुत थक जाते हैं यहाँ पे आने से। कभी मेरा जो गाँव है डाल्टनगंज से करीब 70 किलोमीटर पड़ता है, तो अब आ गए यहाँ गाइस। तो चलिए सबसे पहले नहा लेते हैं, नहाने के बाद फिर मिलते हैं हम आपसे। फाइनली गाइस, मैं नहा होकर रेडी हो गया। आने के बाद देख सकते हैं काफ़ी हरासमेंट था वो मेरा दूर हो गया, और यहाँ बेटी जो है यहाँ पे फिर से मेरे पास आने लगी। और जैसे देख सकते हैं हम बैठेंगे हम सोफा पे, तो मस्त हेवी उठल के आएगी बैठने के लिए हमारे साथ। गुड्डू पापा कर दे यो 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 यो, मतलब पापा कहने के बाद हमारा लूसी भी काफी खुश है, और यहाँ देख सकते हैं हमारी बेटी भी काफी एंजॉय करती है घर में। काफी खुश देख सकते हैं हमारे शाम के समय माता जी यहाँ पे मस्त भूंजा ले आई। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप का, जो कि चूड़े को और मक्का को इस टाइप से फ्राई करने के बाद बनता है, तो उसी को बोलते हैं भूंजा। और यहाँ हमारी बेटी बदमाशी करते हुए, और टीवी जो है यहाँ सामने चल रहा है इसका, तो काफ़ी बदमाश हो गई है। और यहाँ देख सकते हैं हमारी माता जी भी भूंजा खाते हुए और इंजॉय करते हुए, और बेटी यहाँ पर लगी हुई अपना टीवी देखने में। और गाइस, हमारे खाने में आज बन रहा है लिट्टी एंड चोखा, जो कि हमारा फेवरेट है। मैंने स्पेशल ऑर्डर दिया है भाई वाइफ को बनाने के लिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बन गया है चोखा। चोखा में गाइस टमाटर का चोखा वाइफ मस्त बनाती है, तो थोड़ा देर में बनेगा लिट्टी का पूरा व्यंजन, मतलब कि सत्तू बनेगा, उसके बाद लिट्टी जो है गढ़ा जाएगा। दिखाते हैं आपको कैसे हमारी वाइफ बनाती है। और फाइनली गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बन गया लिट्टी के लिए सत्तू। तो सबसे पहले इसको हम टेस्ट कर लेते हैं कि भाई थोड़ा सा चाहिए, इतना कर लेते दिए एकदम परफेक्ट टेस्ट है। मतलब कि इसमें सत्तू का भी टेस्ट है, मिर्ची का भी टेस्ट आ रहा है, और नींबू जो डाली है वो भी टेस्ट है, नमक भी टेस्ट दे रहा है इसमें, और मुंह में हमारा पानी भी आने लग रहा है अभी से। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लिट्टी जो है वो यहाँ पे तैयार होने लगा। इसके बाद पूरी तरह से बना लेगी, उसके बाद इसको आग पे सेकेगी। पकड़ो 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 टिड़े टिड़े पकड़ो 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 लूसी को पकड़ो लूसी को लूसी को पकड़ो 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 आजा पकड़ो 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 लूसी लूसी। और यहाँ देख सकते हैं गाइस हमारा लिट्टी को सेकने के लिए मस्त माता जी ने आग जला दिया, जो कि गोइठा पे मस्त लिट्टी बनता है यहाँ पे। तो वाइफ यहाँ पे बनाना शुरू करेगी, तो आग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे जल गया है। ओ
और यहाँ पे लीटी जो है आग के ऊपर सेकने के लिए जाने लगा। तो कुछ इस टाइप का यहाँ वाइफ जो है बना लेती है। और यहाँ हमारा लूसी भी साथ में एंजॉय करता हुआ। और यहाँ दिखाने के लिए एक चीज़ मैं यहाँ पे व्याकुल हूँ आप सभी को कि हमारा देख सकते हैं एक पेड़ है गाइस यहाँ पे, जो कि ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं है, जो कि 12 इंच के गमले में लगा हुआ है, इतना बड़ा प्लांट है। और यहाँ देख सकते हैं हर शाम को यहाँ पे दो चिड़ियाँ बैठा करती हैं। देख सकते हैं कितना छोटा चिड़िया पे बैठती है और यही प्लांट पे बैठती है गाइस। तो अभी बैठी हुई है, जो कि वहाँ देख सकते हैं वाइफ लिट्टी बना रही है हमारे बरांडे में। तो हर रात को यहाँ बेचारी आती है, दो चिड़ियाँ गाइस, एक नीचे बैठती है एक ऊपर। यहाँ देख सकते हैं हमारा जो लिट्टी है मस्त आग पे सेकने लगा, एकदम मस्त काला 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 काला। और लिट्टी जो है सेक कर गाइस फट जाता है, मतलब कि वाइफ जो है समझ लेती है कि लिट्टी हमारा पक गया। काट रे और देख सकते हैं यहाँ पे लिट्टी है, वाइफ ने यहाँ पे सेक दिया, मस्त लिट्टी बनाती है एकदम, जो कि हमारा फेवरेट है, दुकान में कहाँ मिलेगा ऐसा। तो जब भी मेरे को लिट्टी खाने का मन करता है तो भाई वाइफ को बोल देते हैं, वाइफ इस टाइप से यहाँ पे बना देती है घर में लिट्टी और चोखा। और इसको जो इसे राख लग जाए उसको झाड़ने के लिए अलग व्यवस्था करती है यहाँ पे। तो यहाँ पे झाड़ने के बाद उधर रख लेती है, मतलब पक जाने के बाद गाइस यहाँ पे लिट्टी जो है फट जाता है, वही चेक करती है यहाँ पे, झाड़ करके उधर रख लेती है फाइनली। और यहाँ देख सकते हैं बारी अब आती है हमारी खाने की। तो देख सकते हैं वाइफ ने यहाँ पे लगा दिया है हमारा चोखा, और यहाँ है हमारा घी स्पेशल, जो कि हमारी वाइफ स्पेशल घर में बनाती है गाइस, ख़रीदना नहीं पड़ता हमको, तो ये बेनिफिट है। और यहाँ है गर्मा गर्म हमारा लिट्टी। तो यहाँ पे वाइफ बैठी हमारे साथ, जो कि यहाँ पे इंजॉय करने के लिए है। और फाइनली गाइस देख सकते हैं हम तोड़ने पे कुछ इस टाइप के यहाँ पे निकलता है, तो काफ़ी अच्छा वाइफ बनाती है यहाँ पे। तो चलिए जल्दी से हम खाते हैं। अगर आपके भी मुंह में पानी आ रहा हो इस टाइप से देख करके, तो आप आ सकते हैं हमारा डाल्टनगंज में घर हुआ। तो फाइनली हम खाते हैं अपना लिट्टी और चोखा, इंजॉय करते हैं। तो फाइनली गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। बाय बाय।